नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट लाइन इज ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. अब पॉइंट बोल रही है कि विंड कुछ भी वैसा नहीं करेगी जैसा तुम उसको बताओगे. विंड इज अ नेचुरल फिनोमिना, उसको जिस तरह से अपना काम करना है या कुछ डिस्ट्रक्शन करनी है वो इसी तरह से करती रहेगी. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज. अब पॉइंट क्या बोल रही है कि विंड तो हमारी बात सुनेगी नहीं, विंड गॉड तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं अपने घरों को इतना मजबूत बनाते हैं. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली. हम अपने जो घरों के दरवाजे हैं उसको पक्की तरह से लगाते हैं, ज्वाइन करते हैं. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को फॉर्म ठोस बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को स्थिर या अटल बनाने के लिए, फास्ट स्टेडफास्ट बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं. डू दिस एंड द विल विल बी फ्रेंड्स विद अस. अभी वो बोल रहे हैं अगर हम ये सब कर लेंगे, खुद को स्ट्रांग बना लेंगे, अपने घरों को स्ट्रांग बना लेंगे, दरवाज़ों को फॉर्मली ज्वाइन कर लेंगे, तो विंड जो है, जो ये डिस्ट्रक्टिव विंड है, वो हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. वो बोल अब जो पोइट है उसने हमें एग्जाम्पल दी है फायर की. उसने बोला कि जो फायर वीक होती है, जो धीमी आंच होती है फायर की, उसको विंड जो है वो ब्लो कर देती है, बुझा देती है. लेकिन जो फायर बहुत स्ट्रांग होती है, विंड उसको और पावर दे देती है और उसको और ज़्यादा स्ट्रांग, या हम बोल सकते हैं और ज़्यादा चमकदार बना देती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. वो बोल रहा है कि जो विंड है उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे, और तारीफ करते हैं उसे, हम उसकी तारीफ करते हैं रोज. सो इन दिस पोइम बच्चे, विंड गॉड को पहले रिक्वेस्ट की गई है फर्स्ट लाइन में कि सॉफ्टली चलो, तुम घरों के तुम विंडोज़ के शटर्स तोड़ रही हो, तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो. फिर पोइट ने बताया है हमें कि जो वीक लोग होते हैं उनको अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि जो वीक लोग हैं उनके ऊपर दुनिया में हर कोई उनका मजाक बनाता है, उनका फन बनाता है, और अगर आप खुद में आपको फर्म और डिटर्मिनेशन होगा तो कोई आपका मजाक नहीं बना पाएगा. फिर पोइट ने फायर की एग्जांपल ली है कि जो वीक फायर होती है उसको विंड ब्लो कर देती है, और जो ग्रेटर, जो स्ट्रॉन्गर फायर होती है उसको और ज़्यादा पावर देती है विंड, उसको और ज़्यादा चमकदार बना देती है. फिर पॉइंट ने हमें इस पोइम में ये बोला है कि जो वीकलिंग्स हैं उनको अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और वो फील करता है कि विंड गॉड जो है, अगर हम खुद को स्ट्रांग बना लेंगे तो विंड गॉड हमारा फ्रेंड बन जाएगा, एंड हमें उसको डेली प्रेस करना चाहिए. सो द मेन आइडिया ऑफ दिस पोइम इज़ दैट नोबडी केयर्स फॉर वीक. इफ यू आर वीक, पीपल विल मेक फन ऑफ योर्स. इवन गॉड इज़ ऑन द साइड ऑफ दोज पीपल हु आर स्ट्रांग. I hope this poem is clear to everyone. Thank you.